हफ्ते से ज्यादा वक्त जो है वो बीत चुका है जब हम डीडीसी चेयरपर्सन के साथ जो है नेशनल हाईवे 244 को जो है वो देखने के लिए गए थे, जो भंडारकूट का अल्टरनेटिव रोड है वहाँ से लेकर छात्रों तक जो है वो ओपन वायलेशन जो है वो नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के जो कंट्रैक्टर्स हैं और उनके ऑफिशियल्स के द्वारा जो वहाँ एनवायरमेंटल डिजास्टर हुआ है उसको जो है वो देखने गए थे। और ये बात जग जाहिर है कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में जो है वो NHIDCL के कंट्रैक्टर्स की तरफ से और जो NHIDCL के ऑफिशियल्स हैं उनकी नेग्लिजेंस की वजह से जो है वो दरियाए चिनाब जो है वो उसका बुरा हाल है और जो एनवायरनमेंट हमारा है वो नुकसान पे है। इस सिलसिले में जब DDC चेयरपर्सन ने जो है वो विजिट किया था, स्पॉट विजिट किया था ये देखने के लिए कि जो डंपिंग यार्ड से वो कहाँ पर है, किस तरह के हालात बने हुए हैं और उसके साथ डिफरेंट ऑफिशियल्स भी जो है वो साथ थे, जबकि जो ऑफिशियल से उनको ऑन स्पॉट डायरेक्शंस दी गई थी कि वो एक डिटेल रिपोर्ट जो है वो भेजेंगे और जितनी भी डैमेजेस है और क्या क्या नुकसान हुआ है उसका जो है वो जिक्र करेंगे। इस सिलसिले में DDC चेयरपर्सन ने जो है वो 31 तारीख को एक लेटर भी जो है वो लिखा था 2024 को जनवरी में, जो असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज है उनको ये लेटर लिखा था। हम आपको ये लेटर भी दिखाएंगे, साथ साथ में आपके स्क्रीन पर भी ये लेटर आएगा कि जो डंपिंग ऑफ डेब्रीज है और अदर वेस्ट जो है वो जो वाटर बॉडीज में डाला जा रहा है, रिवर लेट्स में डाला जा रहा है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ नेशनल हाईवे 244 जो किश्तवाड़ को अनंतनाग के साथ कनेक्ट करता है, उसके बारे में जो है वो डिटेल्ड रिपोर्ट जो है वो मांगी गई थी। लेकिन अभी तक 2 हफ्ते गुजरने के बावजूद भी जो है ये रिपोर्ट जो है वो अभी तक नहीं पहुंची है और आनाकानी जो है इन ऑफिशियल्स की तरफ से हो रही है, जिससे ये अंदाज़ा होता है कि कितने नॉन सीरियस जो है वो हमारे ऑफिशियल्स है टुवर्ड्स ड्यूटी। मैं बता दूं कि जो ऑफिशियल्स यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से वो दो दो ढाई ढाई लाख रुपए महीने की तनख्वाह लेते हैं और इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि यहाँ पर कोई काम करने के लिए तैयार नहीं। इसके अलावा जो है वो DDC चेयरपर्सन ने जो है वो कुछ दिनों पहले फिर से एक लेटर जो है वो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर डोडा और डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर किश्तवाड़ को भी जो है वो लिखा है। मैं बता दूं कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में जो है वो कुछ ऐसा हिस्सा जो है जो फॉरेस्ट डिवीज़न डोडा में भी आता है और कुछ हिस्सा जो है फॉरेस्ट डिवीज़न मड़वा में और कुछ हिस्सा फॉरेस्ट डिवीज़न किश्तवाड़ में आता है। इस सिलसिले में जो डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर डोडा और फॉरेस्ट ऑफिसर किश्तवाड़ है उनसे रिक्वेस्ट की गई है और बताया गया है कि जो लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, बायोटिक जो डिस्ट्रक्शन हुई है किश्तवाड़ और डोडा फॉरेस्ट डिवीजन में ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड प्रोजेक्ट वर्क्स बाय NHIDCL और NHPCL और CVPP लिमिटेड, यानी कि ये तीन एजेंसीज हैं जिन्होंने जो है यहाँ पर रोड्स के काम कर रहे हैं और जो सारा जो मलबा है वो चिनाब में डाला जा रहा है, फॉरेस्ट एरिया में डाला जा रहा है, जबकि इनको जो है वो डंपिंग यार्ड्स जो है वो आइडेंटिफाइड करने थे जिसके लिए गवर्नमेंट ने करोड़ों रुपया जो है वो दिया है हुआ है। ये बात हुई फॉरेस्ट की। इसके बाद मैं बता दूं कि जो हमारे स्टेट पोल्यूशन ऑफिसर है, डिस्ट्रिक्ट के जो ऑफिसर है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, इनको भी जो है वो 6 फरवरी को एक और लेटर लिखा गया था जिसमें बताया गया था कि इनको डिटेल रिपोर्ट मांगी गई थी, असेसमेंट ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ द एरिया विद रिगार्ड टू कंस्ट्रक्शन एंड अपग्रेडेशन ऑफ 2 लेन्स प्रोवाइडिंग शोल्डर फ्रॉम डिजाइन ऑन खिलौनी किश्तवाड़ छात्रू सेक्शन ऑन नेशनल हाईवे 244 बाई NHIDCL। मैं बता दूं जितनी भी पोल्यूशन की यहाँ वायलेशंस हो रही है उसके लिए सब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है वो जिम्मेवार है। और मैं बता दूं कि पिछले दिनों 2 हफ्ते पहले, 1 हफ्ता 10 दिन पहले जो है यहाँ पर एक क्रशर भी जो है वो सीज किया गया था, हालांकि वो क्रशर ऑनर जो है वो 2.5 करोड़ उसने रॉयल्टी जो है वो पे की है। हालांकि मैं उस चीज़ को जो है वो पॉलिटिक्स से भी देखता हूँ क्योंकि उस पर जो है वो मैं तब तक स्टोरी नहीं करूँगा जब तक कि मुझे अदर साइड ऑफ द वर्जन नहीं आएगा। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ जो बट फैमिली है जिसका ये क्रशर जो है वो सीज़ किया गया है वो ऑफिशियल वर्जन जो है उसमें दे दे, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं थे इसलिए मैंने जो है वो स्टोरी नहीं की। हालांकि काफ़ी लोग सोचते होंगे कि वो मैं न्यूज़ क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब भी न्यूज़ करूँगा मैं उसमें हकीकत बयान करूंगा और बताऊंगा कि क्या हालात है और क्यों जो है वो उसको सीज किया गया। हालांकि मुझे पता भी है कि
क्या वजूहात है उसके पीछे, लेकिन जब तक कि फैमिली जो है वो ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं देगी और वीडियो इंटरव्यू के लिए तैयार नहीं होगी, तब तक मैं वो जो है वो वन साइडेड स्टोरी चलाने में बिलीव नहीं करता हूँ। इसी तरह जो मैं वसूब से कह रहा हूँ, क्योंकि जो करप्शन है वो सिस्टम में डीप है, और जो स्टेट पोल्यूशन ऑफिसर हैं या ऑफिशियल्स हैं, उनकी जो खामोशी है वो इस बात की तरफ इशारा करती है कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। देखिए, ये जो लेटर लिखा गया है, इसमें जो है वो 2 दिन में जो है वो रिपोर्ट मांगी गई थी। हालांकि जो डिस्ट्रिक्ट पोल्यूशन ऑफिसर भी जो है वो वहाँ पर मौजूद थे। अभी माइनिंग डिपार्टमेंट के लोग जो है उनकी तरफ से भी जो है वो कोई रिस्पांस नहीं आया है, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ कोई रिस्पांस नहीं आया है। जैसे लगातार हम दिखा रहे हैं आपको, इतना कुछ करने के बावजूद भी जो है वो फिर भी वायलेशंस हो रही है और वही सब कुछ किया जा रहा है। यानी कि आप जो है वो खराबी तो करते हैं, अब हमने बोला कि आपने जो खराबी की है आप इसके बाद ना करें, लेकिन अफसोस की बात है कि उसके बाद भी हो रहा है। इससे ये बात साफ जाहिर होती है कि कितने पावरफुल ये लोग हैं, और जो जिस तरह से मैंने आपको एक वीडियो भी दिखाया था कि किस तरह से एक जेई जिसकी बात में पहचान दानिश रियाज के तौर पर हुई थी, जो डोडा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है, किस तरह से वो बिहेव कर रहा था और उसको ये लग रहा था कि यहाँ पर लोग जो है वो बेवकूफ़ है। दानिश राज जैसे ही हमारे लोग जो इन प्रोजेक्टों से बेनिफिट हो रहे हैं, जो रोड कंस्ट्रक्शन हो चाहे पावर प्रोजेक्ट्स हो कहीं भी हो, और जिनके फाइनेंशियल इंटरेस्ट जुड़े हैं, उन लोगों के दम पर जो है ये कंपनियां हमारा एनवायरनमेंट जो है वो डिजास्टर लगातार जो है वो कर रही है, और इनको कोई पूछने वाला नहीं है। और इनकी हद देखिए कि आप इतनी बढ़ गई है कि ये जो है वो अपने आप को जो है वो किंग समझ बैठे हैं, और इनको ये लग रहा है कि शायद इनको कोई पूछेगा नहीं। लेकिन मैं इस वीडियो के जरिए इन लोगों को एक वार्निंग देना चाहता हूं कि कानून जो है वो सबसे बड़ी चीज है, और कानून के हाथ जो है वो लंबे हैं, और जब आप लोग कानून के शिकंजे में फंसोगे उस वक्त आपको कोई भी जो है वो बचाने वाला नहीं होगा, और ना ही वो लोग आपके सामने बचाने के लिए आएंगे जिन लोगों के मुफाद, जिन लोगों के फाइनेंशियल इंटरेस्ट और जिन लोगों के पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है वो इन प्रोजेक्टों में जो है और इस पैसे में जो है वो जुड़ा हुआ है। मैं इस वीडियो के जरिए फिर से जो ऑफिशियल से उनको ये बताना चाहता हूँ कि वो जो है वो अपनी ड्यूटीज रिस्पांसिबिलिटी से निभाएं, वरना उनको जो है वो आगे चलकर सिर्फ कोर्टों के चक्कर लगाने पड़ेंगे, और जब लोग जाग जाएंगे फिर इनको जो है ये जमीन जो यहाँ पर है वो तंग पड़ जाएगी और ये भाग भी नहीं पाएंगे। हम उम्मीद करेंगे कि जो ये लेटर्स लिखे गए हैं इस पर जेन्युइनली जो है वो कार्रवाई होगी, और DDC एक इंस्टीट्यूशन है, और आगे चलकर जो है वो आप कोड ऑफ कंडक्ट भी जो है वो लगने वाला है, और अब आपको शायद ही कोई पॉलिटिकल प्रेशर होगा। हम चाहेंगे कि अल्लाह के खातिर जो आप लाखों में तनख्वाहें ले रहे हैं वो उसको जो है वो हलाल कीजिए, वरना ये जो आप जो ये सब लोग हराम खा रहे हैं, हराम खाना मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ पैसे खाओ किसी से, आप पैसे नहीं खाओ वो जरूरी नहीं है। हाँ, मैं आपके पास आता हूं, आप मेरा काम नहीं करते हैं, आप जो है वो ड्यूटी नहीं देते, वो भी हराम है। आप, मैं आसिफ न्यायिक हूं क्योंकि मैं मीडिया से हूं, मैं आपके ऑफिस में आऊंगा, आप मेरा काम एक दिन में या कुछ घंटों में करोगे? आपके ऑफिस में कोई गरीब आएगा, आप उसका काम नहीं करोगे, उसके महीनों लटकाओगे, वो भी एक हराम की तनख्वाह खाना है, वो भी एक हराम है। इसलिए मैं चाहूंगा कि जो भी ऑफिशियल्स यहां पर, चाहे वो फॉरेस्ट के हो, चाहे PHE के हैं, चाहे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हैं, चाहे जियोलॉजी एंड माइनिंग के हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, चाहे जो बाकी एजेंसीज है, RNB है, बाकी लोग जितनी भी यहां पर एजेंसीज है, वो जो है सीरियसली जो है वो हमारे एनवायरमेंट की तरफ देखें, और जो भी वायलेशंस हो रही हैं उनको सख्ती से निपटे और उनके खिलाफ सख्ती से जो है वो कार्रवाई करे, वरना जो है वो एक दिन यहाँ तो आसिफ न्यायिक ही गर्क नहीं होगा, यहाँ पर किश्तवाड़ के सब लोग गर्क होंगे और उनके अपने भी गर्क होंगे जो इनके साथ मिले हुए हैं। और दूसरी बात यह है, मैं बता दूं कि अल्लाह ताला की आवाज़ जो लाठी है उसकी आवाज़ नहीं होती है। जब वो लाठी आप पर गिरेगी, जो लोग इस वक्त इनके साथ मिले हैं और हमारे इलाकों को जो है वो बेच रहे हैं, करप्शन जो है वो पीक पे है, और अपने मुफाद के लिए जो है वो किसी को भी जो है वो बेचने के लिए तैयार है, वो लोग जो है वो बाज आए, और कल उनका जीना मरना जो है वो यहीं पर हो, ऐसा ना हो कि कल उनके जनाजे को यहाँ पर कोई उठाने वाला नहीं हो, कल उनकी अर्थियों को यहाँ पर कोई कंधा देने वाला नहीं हो। मैं फिर जो ये ऑफिशियल्स हैं इनको ये रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो अपनी ड्यूटियां जो है वो सही तरह से निभाए, और जो ये डिटेल्स मांगी गई हैं एक 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 अच्छे ऑफिसर बनकर जो है वो, और सच्चे ऑफिसर बनकर जो है जो सच्ची रिपोर्ट है वो दे, ताकि इसमें आगे चलकर जो है वो कार्रवाइयां हो सके। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।